हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्वीट स्टाइल। आज में क्रिश्चियन वेडिंग मेकअप होगा, जो कि मैंने अपना मेकअप खुद किया है। और आज का ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए बहुत ही सिंपल सा बेस बनाया है। सबसे पहले जी हम लोग लगाएंगे लेंस, और थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जब आप लगाते रहते हो तो फिर आपके लिए ईजी ही हो जाता है। एक अंक में लग गया लेंस, लेंस लेंस लगाने के बाद दुखी दुखी आत्मा बन गई है जी। जो स्टार्ट करूंगी वो सन ब्लॉक से स्टार्ट करूंगी। सन ब्लॉक की थोड़ी सी क्वालिटी लगाएंगे फेस के ऊपर। वाव, बहुत मजे की फ्रेगनेंस इसकी। आज मैं जो बेस बना रही हूँ वो कंसीलर से है, कंसीलर स्टिक है, और ये आईज के लिए। लेकिन इसके साथ आज पूरे फेस की जो है वो कवरेज की जाएगी। और देखते हैं जी इसका क्या रिजल्ट निकलता है। लेकिन जब मैंने इसको टेस्ट किया था तो मुझे लगा ये बेस के लिए बेस्ट है, और बड़े रीजनेबल प्राइस में आपको ये मार्केट से मिलेगा। सो आज हम भी ट्राई करेंगे। ये शेड मैंने अपने लिए लिया था, इसमें आप डिफरेंट इसके शेड्स आती हैं, आप वो भी यूज़ कर लोगे। ठीक, थोड़ा थोड़ा इसको आज मैं एज अ फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ। थोड़ा सा गर्दन को भी गोरा कर ली। मैं ब्रश यूज़ करूँगी, ब्रश की मदद से आज फेस को लगाऊंगी। ब्यूटी ब्लेंडर से आपका फेस थोड़ा सा हैवी लगता है, इस आपके स्किन के अंदर अच्छे से चला जाता है। थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन बड़ा अच्छे इसके कवरेज आती है, देखिए। ओके जी, अभी फेस की और जो इसकी एक वन टोन ज़्यादा है, क्योंकि कुछ देर के बाद ये आपका सेम हो जाता है। सो इसके ऊपर मैं फेस पाउडर जो अप्लाई कर रही हूँ ये टोन है, क्योंकि मेरे को इतना चिट्टा चिट्टा वाला नहीं चाहिए। मैं एक लड़की का ब्लॉग देख रही थी और मेकअप का ब्लॉग था, और उसका कम्प्लेक्शन थोड़ा सा सांवला था, और उसने उसको इतना गोरा बेस लगा दिया कि लोग उनको बता रहे थे भाई आपके हाथ और आपका फेस बहुत ही अजीब लग रहा है। मतलब कि आप लोग जब भी मेकअप कर रहे हो आप ये नहीं सोचो कि आपका फेस गोरा होना चाहिए, और आपके जो हाथ है वो उनका कम्प्लेक्शन बिल्कुल ही चेंज हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, जब आप बेस वगैरह लगाते हो तो वो फिर कुछ टाइम के बाद आपका जो टोन है वो थोड़ा सा नीचे चला जाता है, मतलब थोड़ा सा आपको इतना वाइट वाइट नहीं लुक दिखता। आप सिर्फ वन टोन लगाओ जैसा कि मैंने लगाया, ठीक है। अभी ये फ्रेश फ्रेश लगा तो थोड़ी देर के बाद, तकरीबन 20-25 मिनट के बाद ये सेम टोन आना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप इतना भी नहीं करो कि आपके हाथ और आपका मुंह जो है वो बिल्कुल अजीब व गरीब दिखना शुरू हो जाए। आप जैसे भी हो, आप बहुत ही खूबसूरत हो, और मेकअप का मतलब सिर्फ ये है कि आप अपनी खूबसूरती को इन्हेंस करो। ये नहीं करो कि आप कुछ आर्टिफिशियली गुड़िया लगना शुरू हो जाओ। फिर बिल्कुल हल्का, जैसा कि मैंने कंटोर और एक साइड पर कर लिया, सेम इसी मेथड के साथ आपको कंटोर एक लाइन ड्रॉ करना है। हल्का सा आप क्या करना है जी, आपको लेना है ब्रश, ब्रश और उसमें हल्का सा ब्रश लगा के आपको उसको पीछे की तरफ ले जाना है। इससे आपका क्या होगा जी, कंटोर जो है वो भी ब्लेंड हो जाएगा। ओके जी, ये मेरे पास पड़ा हुआ है और बड़ा वायरल हुआ था, लेकिन यूज़ मैं करती नहीं हूँ, तो सोचा चलो जी आज इसको ट्राई फिर से करते हैं। इसको लगाने के बाद जल्दी जल्दी से आपको इसको करना पड़ता जी, बेस्ट है। चलो जी, मुँह जी हो गया शाइनी शाइन। ओके जी, अब बात है जी आईब्रोज की बारी। हम यूज़ करें हैं इधर
अभी आज थोड़े आईब्रो लंबे करते हैं। चलो जी, एक साइड का तो आईब्रो हो गया बड़ा प्यारा प्यारा, दूसरे साइड के भी आईब्रो को प्यारा करते हैं। जल्दी दोनों साइड के आईब्रो सामने बना रही हूँ। बेचारा इस साइड पे तो मेरे बाल है ही नहीं, इसको इतना भी मैं नहीं फिल कर सकती कि अजीबो गरीब कार्टून दिखना शुरू है। सो अभी हम करेंगे अपना आईज मेकअप स्टार्ट। तो ये वाला जो पिंकी पिंकी सा शेड मैंने सॉकेट लाइन पर अप्लाई किया, दोनों साइडों पे अप्लाई किया, और साथ में इसको मैंने फ्लफी ब्रश से ब्लेंड किया, और साथ में मैंने डार्क ब्लू शेड लेके इसको किया। और जो वही वो कंसीलर मैं अब कट क्रीज के लिए भी यूज़ कर रही हूँ, जो कि मैंने बेस के लिए यूज़ किया था। और कट क्रीज से आपका जो आप कोई भी शेड लगाते हो वो अच्छे से दिखता है। पर लगाने के बाद फिर से मैंने वो फ्लफी ब्रश उठाया और उसको हल्का सा फिर से इसके ऊपर मैं हाइलाइटर और सिल्वर यूज़ कर रही हूँ। जब भी वेलवेटी शेड लगाना होता है तो आप फिंगर की मदद से लगाओ ताकि इसकी ब्लेंडिंग अच्छी हो। दूसरी साइड पे भी ये सिल्वर शेड है जो ग्लो किट वालों का है। फिंगर की मदद से ब्लेंड कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा लगा के इसको फैला रही हूँ। और बाद में जी फ्लफी ब्रश के साथ मैंने किया है, इसके बाद ये शिमर ग्लिटर्स में यूज़ कर रही हूँ। और ये मैंने सारे ही थोड़े थोड़े मिक्स करके लगाए हैं, कोई एक नहीं लगाया, ताकि थोड़ा सा मिक्स कलर आ जाए और ये इतना शार्प नहीं होते। अगर जब हम आँख के अंदर कर रहे हैं ब्लैक पेंसिल अप्लाई, पेंसिल को मैं आँख के अंदर और थोड़ा सा बाहर की तरफ भी ले कर रही हूँ, लेकिन आउटर कॉर्नर पे थोड़ा सा बाहर की तरफ फैलाओगे और इनर कॉर्नर पे आप इतना नहीं फैलाओगे, फिर आपको कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये ब्रश के साथ हम लोग इसको करेंगे ब्लेंड दोनों साइडों पे। ये जब आप ब्रशेज परचेज करते हो उसमें इस तरह के ब्रशेज ईजीली मिल जाते हैं। लाइनर जो है जी वो मैं डार्क ब्राउन यूज़ कर रही हूँ, और साथ में इसका जो ब्रश है वो बहुत ही पतला है। बारीक ब्रश से आपका लाइनर अच्छे से लगता है, और इनर कॉर्नर पे भी मैंने लाइनर अप्लाई किया है। मस्कारा लगाने के बाद हमारे लिपस्टिक आपस में जुड़ जाते हैं, तो उसके लिए हम ये यूज़ कर। इसके बाद जी आप कोई सा भी मस्कारा लें और लैशेस लगाने के बाद इसको अप्लाई कीजिए। ऑलरेडी लैशेस की वीडियो वो देख सकते हैं। उसके बाद जी हाइलाइटर मैंने लगाया है, और हाइलाइटर लगाने के बाद फिर से मैं वही फ्लफी ब्रश के साथ इसको ब्लेंड करूंगी, वरना जैसे ये लाइन पड़ी है ये बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ज़रूरी है कि आप इसको बाद में ब्लेंड करो। और इनर कॉर्नर पर वही ग्लो किट वालों का हाइलाइटर है वो मैं अप्लाई कर रही हूँ। इसके बाद जी मेबी लाइन वालों का लाइनर वो मैं इनर कॉर्नर पे थोड़ा सा उसको ज़्यादा किया। इसके बाद फेस पाउडर से मैं नीट कर रही हूँ मेकअप को। इसके बाद जो लिपस्टिक जो है वो मैंने ये वाला ही जो शेड है वो उठाया। आप इसकी जगह कोई सा भी शेड उठा सकते हो, लेकिन अगर आपको ज़्यादा कलरफुल मेकअप पसंद है तो आप ये वाला शेड। आई होप गाइस आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़ी रही। गॉड ब्लेस यू।